साहेब ने बीजक के सत्संग की चर्चा में इस समय शब्द प्रकरण पर कुछ विचार चल रहे हैं। आज पद संख्या है शब्द 97। सदगुरु कहते हैं, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मैं हर हो तुम साई। क्या मुंडी भूई सिर नाए, क्या जल देह नहाए। खून करे मिस किन कहाए, अवगुण रहे छिपाए। क्या वजो जप मंजन किए, क्या महजिद सिर नाए। हृदया कपट निमाज गुजारे, क्या हजम के जाए। हिंदू बरत एकादश 24, 30 रोजा मुसलमाना। 11 मास कहो किन टारे, एक महीना आना। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मैं हर हो तुम साई। जो खुदाए महजिद बस तू है, और मुलुक के ही केरा। तीरथ मूरत राम निवासी, दुई माँ की नहू नहेरा। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल में खोज दिलही मा खोजो, इह करीमा रामा। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल में खोज दिलही मा खोजो, इह करीमा रामा। वेद किताब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे। सब घट एक एक कै लेख, भय दूजा के मारे। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मैं हर हो तुम साई। जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा। कबीर पोंगरा अल्लाह राम का, सो गुरु पीर हमारा। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मैं हर हो तुम साई। ये लंबा पद, इसमें साहब मजहबी एकता, मानव मानव से प्रेम करे और हिंसा हत्या से दूर हो करके, ईश्वर और अल्लाह के नाम पर की जाने वाली हिंसा और आपस में लड़ाई झगड़े करना, इन सब को त्यागने के लिए संकेत करते हैं और बताते हैं कि सबके अंदर में बैठा हुआ आत्मा ही अल्लाह और राम है, परमात्मा है। तो सांप्रदायिक कट्टरता, मजहबी भावना को त्याग करके साहब मानवीय एकता पर जोर देते हैं, और यही सबसे बड़ा धर्म है। जो इस धर्म को नहीं समझता है, वो मंदिर मस्जिद जा करके, पूजा नमाज पढ़ करके, गंगा स्नान करके और काबा हज जा करके भी कुछ नहीं पा सकता है। पहली बात साहब कहते हैं, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। हे मनुष्य,
अल्लाह और राम जिनको तुम पूज रहे हो, जिनके सामने सर झुका रहे हो, घुटने टेक रहे हो, बारंबार जिसकी प्रार्थना कर रहे हो, वो श्रेष्ठ नहीं है, तुम श्रेष्ठ हो। अगर मनुष्य अपना हाथ खींच ले तो सारे भगवान, परमात्मा, देवी देवता सब भारा के गिर जाएं। किसी में कोई शक्ति नहीं है कि वे अपने अस्तित्व को कायम रखें। उनको बनाए रखने वाला और उनको जिलाए रखने वाला ये मनुष्य ही है। और साहब कहते हैं, जिन पर मेहर हो तुम साईं, मेहर मेहर माने कृपा, मेहर माने दया कृपा। तो मनुष्य जिस पर कृपा कर दे वही साईं बन जाता है। साईं भगवान, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, तो ये मनुष्य की बनाई हुई है। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है यह बात सच नहीं है, जितना कि यह सच है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। मनुष्य अगर न होता तो यहां मंदिर न होते, मस्जिद न होता, कोई पत्थर में सिंदूर पोत करके हनुमान कहने वाला ना होता, और ईश्वर अल्लाह को पुकारने वाला कोई ना होता, पूजा पाठ करने वाला कोई ना होता, नदियां बहती रहती उसमें कोई स्नान करने वाला ना होता। लेकिन जो होता यहाँ अच्छा होता, नदियों में प्रदूषण ना होता और चारों तरफ ये लड़ाई झगड़े ना होते। ये मनुष्य अपने मन को विकृत करके, स्वार्थ की भावनाओं में पड़ करके और अज्ञान अंधविश्वास में पड़ करके सत्य से बहुत दूर चला गया है। इसलिए साहब कहते हैं, भाई तुम अपनी शक्ति को समझो, अपने आप को पहचानो। जिन पर मेहर हो तुम साईं, जिस पर तुम दया कर देते हो, कृपा कर देते हो, वही भगवान बन जाता है। इसलिए जब तुम खुद भगवान बनाने वाले हो तो क्यों बाहरी किसी कृत्रिम भगवान के पीछे, नकली देवी देवता के पीछे अपनी शक्ति को समर्पित कर रहे हो, अपना सिर झुका रहे हो? सिर झुकाना ही है तो इन प्राणियों के सामने झुकाओ। और केवल सिर झुकाना ही पर्याप्त नहीं है, कर्तव्य पर्याप्त है। कर्तव्य, कर्तव्य ना किया जाए, पुरुषार्थ ना किया जाए, सदकर्म ना किया जाए, केवल हाथ जोड़े कोई, तो क्या इससे शांति मिलेगी? कोई व्यक्ति हो, उसके चार बेटे हों और चारों बेटे पिता की बात ना मानते हों, लेकिन पिता का संकीर्तन खूब करते हों, ढोल मृदंग लेकर के और खूब उसका नाम जपते हों और उसकी मूर्ति बनाकर फोटो लगा करके पूजा करते हों और खूब उसकी उपासना में तन्मय रहते हों, लेकिन उसकी एक भी बात ना मानते हों और ना उसकी सेवा करते हों, ना उसका आदर करते हों, तो क्या वो पिता कभी खुश होगा? पिता तो तब खुश होगा जब उसकी बात मानी जाए और घर का काम किया जाए, उसकी सेवा किया जाए और सही रास्ते से चला जाए और उसके अन्य बच्चों के साथ सुंदर बर्ताव किया जाए, तब वो अपने आप खुश होगा। अगर हम जब यही मानते हैं, जब हम यही मानते हैं कि भगवान ने सबको बनाया तो हमको भी बनाया है, तो हमें केवल तो नहीं बनाया, उसकी और भी संतानें हैं। और कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है, भगवान है, कण कण में ईश्वर है, तो क्या गाय में, बकरे में, मुर्गी में, भेड़ में, अन्य जानवरों में नहीं है, मछली में नहीं है वो? हम किसी पिता की एक संतान का आदर करें और किसी को मारे काटें तो क्या वो पिता कभी खुश होगा? हम अपनी ही जुबान से अपनी ही बात को काटते रहते हैं। साहब कहते हैं, भाई तुम जो बाहर जड़ पिंडियों में सिर झुका रहे हो, भगवान की कल्पना कर रहे हो, तुम इन प्राणियों में देखो जो साफ स्पष्ट भगवान दिख रहे हैं, जो खा रहे, बोल रहे, हंस रहे और आशीर्वाद दे रहे हैं,
सुंदर बर्ताव आपके साथ कर रहे हैं, आपको सही सन्मति दे रहे हैं, तो उनको भगवान मानो। जड़ में बहुत सिर झुकाने से, श्रद्धा समर्पित करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जड़ के लिए तुम्हारे अपने कुछ कर्तव्य हैं, वो करो। उसकी उपासना इतना ही है कि जैसे इन दिनों ठंडी है तो कपड़े पहनो, कपड़ा जड़ है तो ढंग से उसका उपयोग करो, तो ये जड़ की मानो उपासना हो गई। भोजन, शरीर को भूख लगी है तो भोजन तैयार करो, भोजन बनाओ, खाओ, सफाई स्वच्छता के साथ खाओ, तो ये जड़ उपासना है। और ऐसे ही मकान है, गाड़ी है, चीज़ें हैं, कोई भी जड़ चीज़ें हैं, तो इनका रख रखाव करो, उचित व्यवस्था करो, मर्यादित रखें। फोटो लगा रखे हैं किसी संत गुरु महापुरुष की, तो उसमें मकड़ी जाला ना लगा दे, धूल ना जमा हो, उसी में अपनी कोट पैंट ना टांग दें, और यत्र तत्र उल्टा सीधा उसको टेढ़ा मेढ़ा ना लगा के रखें, ये उसका सम्मान है। बस इतना चाहिए। अब ये तो ना करें, कितने लोग फोटो के ऊपर लाके छड़ी टांग दिए, अपना पैंट टांग दिए, और फिर बाद में सुबह जा करके अगरबत्ती जलाते हैं और मकड़ी जाला लगाए हुए है, धूल जमी हुई है, तो ये भी उचित नहीं है। ना पूजा करने की ज़रूरत है, ना अमर्यादित उसके साथ हमें व्यवहार करना है। वे प्रतीक मात्र हैं, जब उनका फोटो लगाए हैं तो उसको मर्यादित रखें। क्या मुंडी भूई सिर नाए, क्या जल देह नहाए। सदगुरु कहते हैं कि मुंडी, सिर को, भूई माने भूई, जमीन, जमीन में सिर को झुकाने से क्या होगा। बहुत तुम जगह जगह जो सिर झुका रहे हो, तो ये सिर झुकाने से बहुत क्या होगा। मिट्टी पत्थर में, जमीन में, पेड़ पौधों में, क्या मुंडी भूई सिर नाए। लोगों की भावना तो देखो, जहां जो करना चाहिए वह काम नहीं करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वही काम में लगे रहते हैं, बिना काम का काम, उल्टा काम। तो ये बिना काम का काम कर करके लोग अपने समय को, अपनी शक्ति को और अपनी मूल्यवान भावनाओं को व्यर्थ में जाया करते रहते हैं, बर्बाद करते हैं। इसलिए काम का काम होना चाहिए। बिना काम का काम, वो याद आती है घटना, अब कहानी जोड़ते हैं, बनाते हैं लोग, अब घटना हुई कि नहीं हुई। कहते हैं अकबर बादशाह बीरबल के साथ शाम को कहीं हवाखोरी करने के लिए निकले, घूमने के लिए। तो एक बुढ़िया थी, अब वो अपने बेटे को डांट रही थी। वो छपरा बनाया था टेढ़ा मेढ़ा, और ठीक ठाक नहीं था, ढील ढाल था। तो कह रही थी कि बिना काम का काम करता है, मैं कह रही थी ऐसे बनाना चाहिए और ये बेकार का बना डाला है, अब इतने ईंधन, इतना फूस खराब हुआ, तो बिना काम का काम ये करता रहता है। तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बताओ कि ये बिना काम का काम क्या है, ये क्यों बुढ़िया ऐसे कह रही बिना काम का काम करता रहता है। तो बीरबल ने कहा, हुजूर चलो आगे बताऊंगा। तो आगे बढ़े तो एक बगीचे में कुछ लड़के खेल रहे थे, तो इतने में एक लड़का एक पेड़ में बर्रे के छत्ता लगा था, जाके पत्थर मार दिया। अब पत्थर मारा तो बर्रे उड़ी और आकर के खूब लड़कों को छेदने लगी, और सब चिल्लाते हैं, भागते हैं और नोचते हैं अपना चेहरा इधर उधर, और बर्रे खूब आकर के उनको छेद रही हैं। अब बर्रे थे कि मधुमक्खी थी, लेकिन छत्ते में मार दी डेला और खूब उनको नोचने लगी, अब वो भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो बीरबल कहते हैं, हुजूर भागिए, अब ये लड़का बिना काम का काम कर डाला है, यही है बिना काम का काम, तो जल्दी जल्दी वहाँ से भागे। नहीं तो काम तो कोई करता है बिना काम का, और प्रभाव बहुतों पर पड़ता है। तो ऐसे ही ये बिना काम का काम में ही सारा संसार ठगाया जा रहा है। जो करना चाहिए उसको नहीं करते, अन्यथा कार्यों में ही अपने समय को लोग गंवाते रहते हैं, फायदा कुछ नहीं होता। साहब कहते हैं, क्या मुंडी भूई सिर नाए, क्या जल देह नहाए। ये जड़ पिंडियों में सिर झुकाने से क्या होगा,
और क्या जल देह नहाए, जल में नहाने से भी क्या होगा। हिंदू लोग अनेक तीर्थों की कल्पना कर रखे हैं और अक्सर सारे तीर्थ नदियों के किनारे बनाए गए हैं और वो रमणीय जगहें होती हैं और लोगों के आने जाने में, रहने बसने में और व्यवहार में काफ़ी सुविधा होती है। तो ज़्यादातर तीर्थ नदियों के किनारे ही बनाए गए हैं और वहाँ लोग स्नान करते हैं। फिर लोगों ने ये बता दिया कि इसमें नहाने से पाप कटता है। क्या तमाशा किया गया है, जनता के साथ कितना छल किया गया है, धोखा दिया गया है और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये पंडित, पुरोहित, ज्ञानी और गुरु लोग लोगों को किस ढंग से सस्ते नुस्खे में मुक्ति बांटी है और उनके भावनाओं को, उनके रुपए पैसे को, उनके समय को और उनके सारी शक्ति का हम लोग दुरुपयोग किए हैं, जितने अगुआ हुए हैं समाज के। और साहब ने इसीलिए कहा है कि यह दोष इन्हीं अगुआ लोगों पर ही पड़ेगा। अब पड़े उनको या ना पड़े, लेकिन लोग तो ठगा रहे हैं ना, और वे तो धोखा खा रहे हैं और दुख पा रहे हैं। उनका जिस लिए जीवन मिला हुआ है कल्याण का, शांति प्राप्ति करने का और दुख मिटाने का, वह काम नहीं होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि क्या जल देह नहाए और ये पानी में नहा नहा करके क्या होगा। अरे पानी में नहाना बस उतना ही अर्थ रखता है कि शरीर की गंदगी धुल जाए, शरीर फ्रेश हो जाए, साफ हो जाए, बस इतना ही इसका अर्थ है। तो शुद्ध पानी से स्नान करो, लेकिन आप पाप काटने के लिए चले जाएं, मुक्ति पाने के लिए चले जाएं और नहा करके आप धर्म कमा लेंगे। जहां से पाप कटता है वो करते नहीं हैं, धर्म जिससे बनता है उससे लाखों कोस दूर हैं, केवल पानी को शरीर में डालने से क्या होगा। तो कहते हैं साहब, क्या जल देह नहाए, खून करे मिस्कीन कहाए, अवगुण रहे छिपाए। खून करना, खून करना एक लाक्षणिक अर्थ रखता है कि हिंसा करना, हत्या करना। और मिस्कीन माने होता है विनम्र, दयालु, फकीर, धर्मात्मा। तो एक तरफ तो हत्या करते हैं, हिंसा करते हैं और दूसरी तरफ फकीर बनते हैं, दयालु बनते हैं, धर्मात्मा बनते हैं। ये हिंसा हत्या कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। सभी मत मजहबों में, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, ये अपने अपने देवताओं को खुश करने के लिए बलि, कुर्बानी या और भी किसी नाम से दीन लाचार मूक प्राणियों की हत्या करते हैं। और इतना ही नहीं, ये धार्मिक तथा कथित धार्मिक कहलाने वाले कभी कभी तो मनुष्यों की भी हिंसा करने में उतारू हो जाते हैं और चूकते नहीं हैं। तो साहब कहते हैं, खून करे मिस्कीन कहाए, ये हिंसा हत्या करते हैं, प्राणियों की जान ले लेते हैं निर्दयता, बेरहमी पूर्वक, और अपने को दयालु, धर्मात्मा, धार्मिक और फकीर, औलिया कहलाते हैं। भाई प्राणियों की पर दया करो, दया धर्म नहीं, मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। साहब कहते हैं कि दयालु बनो, यही धर्म है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, धर्म ही, दया ही धर्म है। और जिसने दया का त्याग कर दिया है वो धर्म का केवल चोंगा पहन करके चल रहा है और कुछ नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं, खून करे मिस्कीन कहाए, अवगुण रहे छिपाए, ये अपने अवगुणों को छिपाने का तरीका है। अंदर में अनेक दोष भरे हुए हैं, दुर्गुण भरे हुए हैं, हिंसा, चोरी और दुर्व्यसन, दुर्गुण, दुराचार अगर हैं हमारे जीवन में और हम हिंसा, हत्या ये सब कर रहे हैं, तो फिर सारा हमारा कर्मकांड व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हम अपने अवगुणों का त्याग करें,
हिंसा हत्या का त्याग करें, इंद्रियों पर संयम करें, प्राणियों पर दया करें, ये सच्ची धार्मिकता है। और इस धार्मिकता में जो अपने आप को स्थिर कर देता है वह सुखी होता है, उसका मन निर्भय और निश्चिंत होता है। क्या वजू जप मंजन कीजे, क्या महजिद सिर नाए। साहब के समय में हिंदू और मुसलमान दो ही परंपराएं थी और साहब दोनों के लिए अपनी बातें कहते हैं, वे किसी एक के नहीं थे। दोनों के अच्छाइयों पर, दोनों के गुणों पर वे उनको सराहना करते हैं और कहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन गलतियां जब देखते हैं तो दोनों को टोकते हैं, दोनों को डांटते हैं, दोनों को फटकारते हैं। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए साहब कहते हैं। तो यहाँ पर अब मुसलमानों के लिए कहते हैं कि क्या वजू। वजू कहते हैं हाथ पैर आदि धोने को। वे जब पूजा प्रार्थना करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो वहीं पास में पानी का स्थान होता है और वहां जा करके वे हाथ पैर आदि धो करके तब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये वजू है। तो साहब कहते हैं क्या वजू, जप मंजन कीजिए। और मुसलमान लोग क्या करते हैं, जप करते हैं। मुसलमान लोग भी जप करते हैं, हिंदू भी जप करते हैं, दोनों लोग जप करते हैं। उनके अपने अपने नाम हैं, शब्द हैं। जाप में हिंदुओं में अनेक नाम हैं, अनेक भगवान हैं, मुसलमानों में एक अल्लाह है। लेकिन यहाँ हिंदुओं में तो भगवानों की भीड़ है ना, तो कोई किसी का जाप कर रहा, कोई किसी का जाप रहा, कोई किसी मंत्र का जप कर रहा, कोई किसी मंत्र का, लेकिन जाप दोनों करते हैं। और जाप है कि किसी नाम का, किसी मंत्र का, किसी कलमा का, किसी शब्द का, किसी दोहा साखी चौपाई का जाप करना। तो जाप करना बुरा नहीं है, लेकिन अब जाप करने से ही पाप कट जाएगा, दुख मिट जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, कर्म सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जाप करें, लेकिन जिस बात का जाप कर रहे हैं अगर वो किसी महापुरुष का, ज्ञानी का बनाया हुआ है तो उसके भाव को भी समझें और वैसे अपने मन तथा इंद्रियों में वर्ताव करें, कर्म तथा आचरण का पालन करें, तब उसका लाभ होगा। साहब कहते हैं क्या वजू जप मंजन। मंजन माने होता है दांत साफ करने वाला पाउडर या पेस्ट, लेकिन यहाँ इसके लिए साहब नहीं कह रहे हैं मंजन नहीं, बल्कि ये मज्जन शब्द है और लिखते पढ़ते यहाँ मंजन हो गया है, मज्जन। और मज्जन माने होता है स्नान करना। तो स्नान करना, बहुत स्नान करने से क्या होगा, कुछ लोग कहते हैं बिना स्नान किए हम पानी तक नहीं पीते हैं, लेकिन पानी तक नहीं पिएंगे और बिना स्नान किए वे बीड़ी पी लेंगे, शराब पी लेंगे, तंबाकू खा लेंगे, झूठ बोल लेंगे, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कर लेंगे, ये सब कर लेंगे। अरे भाई, नहीं स्नान करने का मौका मिला है, कहीं किसी कारणवश व्यस्तता है, हाथ पैर धो लो, पानी की जरूरत है पानी पी लो, कुछ खाने की बात है तो खा भी लो, लेकिन आप अपने कर्मों को सुधारिए, अपने जीवन से हिंसा हत्या दोष दुर्गुणों को मिटाइए, दुर्व्यसनों और विवाद कलह का त्याग कीजिए, फिर ये सबसे ज़्यादा सफाई है। ऊपर से चाम धोते हैं और भीतर से मन में भारी गंदगी भरी रहती है तो क्या होगा। अरे बाहर से भी कितने लोग स्नान कर लिए, जाकर पानी डाल लिए और ठीक से शरीर भी नहीं भीगता, और फिर जैसे तैसे कपड़ा पहन करके और आए फिर वही गंदी जगहों में, गंदी वातावरण में, अगंदी चटाई दरी जमीन में लोटपोट फिर करने लगते हैं। क्या मतलब हुआ स्नान करने से। स्नान का मतलब होता है शुद्धता, पवित्रता, बाहर भीतर की पवित्रता। साहब कहते हैं क्या वजू जप मंजन कीजे, क्या महजिद सिर नाए। और बार बार झुक झुक करके जा करके नमाज पढ़ने से भी क्या होगा। अगर मन में तुम्हारे
रहम नहीं है, दया नहीं है, तो ये बेरहमी का काम करके ये बाहर से कर्म कांडों में अपने तन मन को लगाते रहने से क्या फायदा होगा। उपासना सच्ची है कि हमारे अंदर सद्भाव जगे और हमारे दिल में दया धर्म का वास हो। साहब कहते हैं बेरहमी तो उपासना का मतलब हुआ कि सारे मन की कठोरता का त्याग करना। जब किसी प्राणी के गले पर छुरी रख करके रेतते हो तो कहते हो कि शुरू करते हैं उस अल्लाह के नाम से, निहायत रहम वाला है वो, और यह कितना कपट जाल है। रहीम कभी बेरहम नहीं होता। इस ढंग से हिंसात्मक व्यवहार रख करके कभी उपासना सफल नहीं हो सकती है। क्या हज मक्के जाए, हज और हज ये दो शब्द हैं, ये दोनों का एक ही अर्थ है। हज एवं हज के अर्थ सुख एवं लाभ भी होते हैं, इस ढंग से भी अर्थ किया गया है। हज माने सुख और हज माने लाभ, हज। तो इस ढंग से इसका बारीक अर्थ भी किया गया है, लेकिन सामान्यतः सरसरी तौर पर दोनों को एक ही ढंग से समझा जाता है। तो साहब कहते हैं कि मक्के जाकर भी वही बात हुई, वहां ईश्वर के नाम पर लाखों जानवर काटे जाते हैं। ये ऐसा कुछ नेचर में बस गया है कि बस परंपरा के पोषण से यही होता है, बिना विचार किए जो परंपरा करती आई है वही हम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मजबूरी नहीं है। सत्य का पथिक कभी मजबूर नहीं होता है, और जो परंपरा का पोषण करता रहेगा वो कभी सत्य पथ पर चल नहीं सकता है। सत्य सदैव अकेले का रास्ता होता है, और ना वहां संप्रदाय, ना परंपरा, ना परिवार और ना भीड़ चलती है। वहां पर व्यक्ति को अपने जिंदगी के साथ अकेले चलना पड़ता है। हाँ, अब हमारे जैसे ही सत्य के पथिक और अनेक हो सकते हैं, तो ऐसे पथिक समय से मिल जाएं तो उनके साथ रहें, अच्छी बात है, अब होते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए कि जो लोग पहले करते आए हैं भौतिक चीजों में, तो हम परंपरा का पोषण नहीं करते हैं। पहले लोग मिट्टी की दीवारों से घर बनाते थे और साधारण स्थितियों में रहते थे, ढेबरी जलाते थे, पैदल चलते थे, हाथ में रस्सी और डोरी और लोटा लेकर के चलते थे। आज ये सब क्यों नहीं करते हैं, सबको तो छोड़ दिए। जो जिनके घरों में बोरा बिछा करके तिलही टोपी पहने और वे बैठे दिन भर दुकानदारी करते थे, नमक मिर्चा हल्दी तेल बेचते रहते थे, आज उन्हीं के बच्चे एयर कंडीशन भवनों में घुमावदार कुर्सी पर बैठ करके और मोबाइल पर देश विदेश में व्यापार कर रहे हैं। जो चार आना आठ आना रुपया दो रुपया दिन भर कमाते थे, आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्यों नहीं परंपरा का पोषण करते हैं, दीपक क्यों नहीं आज जलाते हैं, बिजली क्यों जला रहे हैं। तो ये देखिए, भौतिक चीजों में तो परंपरा को हमने छोड़ दिया। हमें मिले सुविधाएं, मिले चीजें, मिले रुपए, मिले जमीन, मिले अन्य को मिले या ना मिले, इसकी परवाह नहीं करते और झपट करके हम ले लेते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर हम मूक हो जाते हैं। वो पूज रहा है तो हम भी पूजेंगे, वो ऐसा कर रहा है तो हम भी करेंगे, वो ऐसी भावना रखता है, वो वहां भागा चला गया है मंदिर मस्जिद में या तमाम काल्पनिक जड़ पिंडियों के सामने देव स्थानों में, हम भी चले जाएं, नहीं भगवान नाखुश हो जाएगा, हमारे ऊपर कुछ और अशुभ हो जाएगा। इस प्रकार से ये परंपरा के पोषण में और सांप्रदायिक कट्टरता में व्यक्ति सत्य से दूर हो जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि क्या वजू जप मंजन कीजे, क्या महजिद सिर नाए,
हृदया कपट निमाज गुजारे क्या हज मक्के जाए। हृदय में तो कपट है। कपट कैसे है? अगर हम भाई के साथ छल कर रहे हैं, पड़ोसी के साथ छल कर रहे हैं और धर्म के नाम पर हिंसा हत्या कर रहे हैं और जड़ पिंडियों को पूज कर चेतन प्राणियों को मार काट रहे हैं, तो ये छल कपट ही तो है। धर्म कर रहे हैं लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों के साथ उनके धन माल इज्जत आबरू का भी शोषण कर रहे हैं, तो छल कपट ही तो है। ऐसी बातें कह करके और ऐसी बातें लिख करके लोगों को अपने पक्ष में, अपने फेवर में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये धार्मिक एक तबका धार्मिक लोगों का और इन राजनेताओं का ऐसा कुछ गुमराह होता है और गुमराह करने में आगे होते हैं दूसरों के लिए भी कि हद से ज़्यादा। और इनके लिए चाहे सैकड़ों लोगों की हिंसा हो जाए, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भारतीय जनता कितनी भटक गई है। चारों तरफ तीर्थों में जाकर के देखो, नहाने के लिए, पाप काटने के लिए जनता भागी जा रही है भेड़ की तरह। अमुक पर्व आया और दौड़ी। अगर पाप कटता होता तो एक बार, दो बार, चार बार, दस बार नहा लेने से तो उनको मुक्त हो जाना ही चाहिए। और इस प्रकार लोग अपने जीवन में पचासों बार भी तीर्थ कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं एकादशी अथवा अमावस या और किसी पर्व पर, सोमावती अमावस्या या अमुक तीर्थ स्थानों में चले जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में स्वभाव वैसे ही रहता, कर्म वैसे ही रहते, तंबाकू वैसे ही खाएंगे, गाली वैसे ही देंगे, लड़ाई झगड़ा वैसे ही करेंगे। एक सज्जन थे, वे चार बार चारों धाम गए थे, हम जानते हैं उनको, उनके यहाँ गए भी हैं गुरुदेव जी के साथ। और एक बार फिर वे बूढ़े हो गए थे, करीब करीब 80-82 साल के हो गए थे, ठंडी का दिन था, फिर अमुक तीर्थ में जाने की उनकी तैयारी हो रही थी। तो उनके बेटे ने गुरुदेव जी के पास आकर के कहा, गुरु जी आप पिताजी को समझा दीजिए, अब इतनी ठंडी पड़ रही है, वो अमुक तीर्थ जाने के लिए तैयार हैं, कहते हैं कि ये वाले तीर्थ में और इस पर्व पर जो स्नान करता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो गुरुदेव जी ने कहा, वो स्वर्ग जा रहे हैं, मैं कैसे उनको रोकूं? तो अब वो गए फिर, लेकिन हाँपते कांपते बीमार हो करके किसी तरह लौटे, लेकिन सुबह उठ करके अपनी भैंस को दूसरे के खेत में चराते थे। ये आदत नहीं छूटी थी। और उनको हम देखे कि बुढ़ापे तक तंबाकू खाना नहीं छोड़े, पान खाना नहीं छोड़े, गुरुजी को भी बुलाते थे, प्रेम करते थे, लेकिन जब जाएं गुरुजी तो जब देखें कि आ रहे हैं तो जाकर के उधर थूकते रहें, तंबाकू मुख थोड़ा खाली करना चाहें तो थूकते रहें, अब भरे रहें मुख में और गंदा दिखे। तो इस प्रकार से क्या होता है, इन जगहों में जाकर के अगर कर्मों को ना बदले तो का करें, नमाज जबान बाय बिगड़ी, अगर जबान बिगड़ी हुई है तो नमाज क्या करेगी? कर्म खराब हैं हमारे तो ये बाहर के आडंबर तमाम ये क्या करेंगे हमारे? हिंदू व्रत एकादश साधे 30 रोजा मुसलमाना, 11 मास कहो किंटारे 1 महीना आना, जो खुदाए महजीद बसतु है और मुलुक के ही केरा, तीर्थ मूरत राम निवासी दुईमा किन्हो नहेरा। हिंदू लोग व्रत रहते हैं, अमुक तिथि अमुक पर्व पर अमुक दिन पर व्रत। व्रत का मतलब होता है उपवास रहना, कुछ ना खाना। कुछ ना खाएं तब भी अच्छा है, लेकिन व्रत के नाम पर वे बड़ी तैयारी करते हैं। सामान्य दिनों में तो 10-20-50 रुपए का खा जाते होंगे और व्रत के दिन में
तो 100, 200, 300, 400, 500 तक का खर्चा हो जाता है, ऐसा व्रत होता है। और एक कहानी मैं कहा करता हूँ कि एक बुढ़िया माता उपवास थी और उसके 4 बेटे थे। पहले ही बता दी थी कि बेटा कल अमुक पर्व है और मेरा उपवास होगा, तो कहा ठीक है माँ, आपका ऐसा अनुष्ठान है तो रहिएगा। तो चारों लड़के अपनी अपनी जगहों में काम करते थे। शाम को जब आए तो सब कुछ माँ के लिए लाना चाहे कि थोड़ा सा कुछ लिए चलते हैं। तो एक लड़का 2 किलो सेब लाया कि माँ का उपवास है और वो फल खाएंगी, दाल भात चावल आदि तो खाएंगी नहीं, तो फल लेते चलें, जितना खाएंगी खाएंगी नहीं और लोग उपयोग करेंगे। तो 2 किलो सेब ला के माता जी के पास धर दिए शाम को ही। तो दूसरा लड़का 3 किलो सिंघाड़ा ला करके धर दिया, सिंघाड़ा तो खाया जाता है ना, कच्चा सिंघाड़ा, 3 किलो सिंघाड़ा ला करके धर दिए। तीसरा लड़का 2 दर्जन केला ला करके धर दिया। और चौथा लड़का 2 किलो मूंगफली ला करके धर दिया कि माता जी जो आप खाएंगी, कल उपवास है खाइएगा। तो सब दूसरे दिन अपना अपना भोजन जलपान किए, सब लोग तो चले गए ड्यूटी अपनी अपनी। अब माता जी का उपवास था और दिन भर घर में रही ही। शाम को जब लड़के लोग आए कि चलो भाई अभी भोजन में तो देरी है, कुछ माता जी के पास हम लोग फल वल लाए थे काफ़ी, कुछ थोड़ा खाएं पिए, भूख लगी है, फिर भोजन करेंगे। तो एक ने कहा कि माँ कुछ सेबो बचा हो तो लाओ दो। कहें कहाँ बेटा, मेरा तो उपवास था, आज तो कुछ खाना नहीं था, तो वही सेब खा गई मैं तो, जो तुम लाए थे 2 किलो लाए थे ना। कहें हाँ। कहें वो कितना होता है, उसमें छिलका निकल गया, बीज निकल गया, खत्म हो गया। तो दूसरा लड़का कहता है माँ जो सिंघाड़ा लाया था 3 किलो। कहें वाह, सिंघाड़ा तो पानी होता है एकदम, वो कहाँ बचने वाला है, उपवास था मेरा खत्म हो गया। तो तीसरा कहता है माँ जो केला, कहें केला ही तो चलता है उपवास में, अब वो तो खत्म हो गया, वो कहाँ है, एक भी नहीं बचा, आधा तो छिलका रहा उसमें। तो तीसरा कहता है माँ मूंगफली। कहें वाह, वो तो बिल्कुल हरदम का मेरा टाइम पास करने के तो वही साधन था, और 2 किलो मूंगफली कितनी होती है आखिर। तब ऐसे उपवास अगर होने लग जाए तब तो फिर बढ़िया है, सबको रहना चाहिए। तो ये मतलब किसी बात पर जोर डालने के लिए इस ढंग से लोगों ने कहानी बनाया है, किंतु हकीकत तो है नहीं इतना तो कुछ ही सही, यही सब तो करते रहते हैं लोग। उपवास के दिन लोगों के पेट और खराब भी हो जाते हैं, इसलिए साहब कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार से उपवास व्रत में लगे हैं, और जैसा रहना चाहिए, उपवास का व्रत का अर्थ ही होता है उपवास, उप नाम निकट, वास नाम बसना, ज्ञानियों के संतों के सत्संग के निकट बसो, ये आपका उपवास है। अथवा इंद्रियों को बुराइयों से रोको, ये उपवास है। इंद्रियों को उन खुराकों से बचाइए, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनकी खुराक है शब्द स्पर्श रूप रस गंध की तरफ भागना, और अपनी इंद्रियों को इन खुराक ना दो, ये आपका बढ़िया उपवास हुआ और ये आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। और दूसरा व्रत, दूसरी बात है जो कि व्रत, व्रत है वाणी पर व्रत रखिए, मौन व्रत रहिए समय समय से। आप जितना भोजन, अब भोजन का व्रत रहते भी हैं तो क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि आज अमुक तिथि है कुछ हम त्यागेंगे, तो क्या त्याग देंगे, कहते हैं कि हम भाटा त्याग देते हैं, ऐसी चीज त्यागें कि जो वैसे भी नहीं खाना पसंद करते हैं अधिकतम लोग, कहते हैं भाटा त्याग देते हैं, या और कुछ ऐसी चीजें जो सामान्य चीजें, निकृष्ट चीजें हैं, उनको त्यागने के लिए कहते हैं। अरे त्यागना है तो बीड़ी तंबाकू छोड़ दो, इसको नहीं छोड़ेंगे, खाते जाएंगे, उपवास के दिन भी खाते जाएंगे। झूठ बोलना छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दो, बहू से लड़ रहे हो, बेटे से झगड़ रहे हो, और भाई से लड़ रहे हो, पड़ोसी से लड़ते हो, ये छोड़ दो लड़ना। सबसे ज्यादा लाभकारी उपवास ये होगा, व्रत होगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन को हम बदलें। और 30 रोजा मुसलमाना, साहब कहते हैं मुसलमान लोग 30 दिन रोजा रहते हैं, ठीक है आप रहिए, लेकिन
अगर 30 दिन ही पवित्र हैं, एक महीना पवित्र है और आप उस समय बड़ा धर्म कर्म करते हैं, पूजा नमाज पढ़ते हैं, भगवान और अल्लाह की इबादत और उपासना करते हैं, तो अन्य महीनों में, अन्य दिनों में क्या भगवान लापता हो जाता है क्या? उन दिनों क्यों नहीं करते हो? आप उपवास के दिन, एकादशी के दिन, अमुक पर्व के दिन अथवा रोजा के समय में दयालु बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं, तो अन्य दिनों में धार्मिकता कहाँ चली जाती है? क्या वे दिन भगवान के बनाए नहीं हैं? क्या वे दिन अल्लाह के बनाए नहीं हैं? अरे सब दिन उसी के हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि 11 मास कहो किंटारे, एक महीना ना, 11 महीने को किसने खराब बना दिया है जो तुम उन दिनों में खूब जो मन होता है मनमानी करते हो और एक महीना बड़ा धर्म कर्म करते हो। और दूसरी तरफ एक महीना खूब तीर्थ, एक महीना जाते हैं कहाँ, वो कांवरिया वाले कितना, एक महीना बोले मम और 11 महीने तौले कम, ये किसने कहा ऐसा? अब खूब, अब ये बम बोलने वाले हमने तो देखा है अनेक जगहों में, अनेक प्रदेशों में, और ये चलते हैं तो इतने उज्जड होते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो सब करते रहते हैं और धर्म करने जा रहे हैं, जल चढ़ाने जा रहे हैं, शिव जी को खुश करने जा रहे हैं और कितने दीन दुखी लोगों को रास्ते में नाखुश करते चलते हैं। बल्कि अन्य सब समयों में एक महीना के अलावा आपके दिन बल्कि अच्छे रहते हैं, उन दिनों तो मनमानी उद्दंडता लोग करते हैं। इसलिए ये धर्म काम नहीं आएगा, केवल हमारे कर्म स्वभाव आचरण को बिगाड़ने के कारण बनेंगे और ये बिगड़ा हुआ जीवन हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है और क्लेश पीड़ा शोक संताप का कारण बनता है। तीर्थ मूरत राम निवासी दुईमा किन्हो न हेरा, ये साहब कहते हैं कि तीर्थों में, मूर्तियों में और इन जगहों में जा करके इन दो में से किसी ने भगवान को नहीं पाया। हेरा, हेरा नाम खोजना, पाना। कहते ना कि साहब ने तो एक जगह कहा है, मोर हीरा हेराए गए कचरे मा, तो हेराना, हेराना मतलब खो जाना और हेरना मतलब खोजना, ये देहात के शब्द हैं और साहेब देहाती थे। वो कोई व्याकरण लेकर के, व्याकरण पढ़ करके शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, जहाँ रहते थे जैसी भाषा चलती थी, जैसी बोली चलती थी, उन शब्दों का प्रयोग करते थे। तो साहेब कहते हैं दुईमा किन्हो न हेरा, इन हिंदू और मुसलमानों में दो में से कोई भी सत्य को नहीं पाया। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल मा खोज दिलही मा खोजो, यह करी मारामा। साहब बड़े दर्द पूर्वक कहते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण ये वचन है कि लोग पूरब तरफ पूजा करते हैं, मुसलमान लोग तो पश्चिम तरफ मुख करके पूजा करते हैं, हिंदू लोग पूरब तरफ मुख करके पूजा करते हैं। नियम तो ये है कि सुबह पूरब तरफ मुख करके पूजा किया जाए और दोपहर में उत्तर तरफ, दक्षिण तरफ अशुभ मानते हैं इसलिए उत्तर को कर दिए हैं, दोपहर में उत्तर की तरफ और शाम को पश्चिम की तरफ, हिंदुओं के लिए ये नियम है। मतलब सूर्य जिधर जाए उसकी तरफ मुख करके पूजा करो, लेकिन कौन करता है ऐसे, बस एक नज़र में और एक ही दृष्टि से लोग कर लेते हैं, बस पूरब की तरफ मुँह करके कर लिए चाहे, और दोपहर तक करते हैं, शामों को भी जल्दी नहीं करते हैं। तो चलो ठीक है, हिंदू लोग मानते हैं कि पूरब तरफ खुदा भगवान रहता है और मुसलमान लोग पश्चिम तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। उनकी सारी मस्जिदें ऐसी बनाई जाती हैं कि जिधर से उनका मक्का किबला और वो उपासना स्थल है वो उनके सामने पड़े। तो भारत में ज़्यादातर मस्जिदें पूरब तरफ मुख करके बनाई जाती हैं ताकि उसकी दीवार पश्चिम तरफ हो और उधर मुख करके
नमाज पढ़ा जा सके, और दूसरे देशों में उस ढंग से होता होगा, लेकिन भारत में ऐसा होता है। यहाँ के लोग पश्चिम तरफ मुख करके इबादत करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि पूरब दिशा हरि को वासा, चलो ठीक है कि पूरब तरफ हरि भगवान रहता है। यहाँ पर हरि शब्द सदगुरु कबीर ने जगह जगह अलग अलग अर्थ दिया है। यहाँ हरि परोक्ष में खोजा जाने वाला परमात्मा हरि भगवान का अर्थ दिया गया है। तो साहब कहते हैं पूरब दिशा हरि को बस, पश्चिम अल्लाह मुकामा, पश्चिम की तरफ अल्लाह रहता, खुदा रहता है। लेकिन दिलमा खोज दिलहिमा खोजो यह करीमा रामा, सदगुरु कहते हैं भाई तुम पूरा पश्चिम को छोड़ो, दिल में खोजो, और जोर दे करके कहते हैं दिल में ही खोजो, यही करीम और राम बसते हैं, और वो करीम और राम दयावान परवरदिगार परमात्मा वो भगवान तुम्हारी आत्मा है। आत्मा को तो जरा देखो, आत्मा में तो जरा झांको, वो आपके अंदर है। अगर वही दिल वाला दिलवर ना होता तो बाहर वाले जिसको तुम रात दिन पूज रहे हो, उपासना कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, जिसके लिए गिड़गिड़ा रहे हो, उसका पता तक ना होता। साहब ने पहले ही कह दिया है कि जिन पर मेहर हो तुम साई, तुम्हारी कृपा से ये साई भगवान परमात्मा ईश्वर अल्लाह सामने तुम्हारे आते हैं। आते होते कोई नहीं है, तुम्हारे मन में वो उभर करके आता है। और वो मन कहाँ से उभरता है? अंदर वाले भगवान से। वेद कितेब कहा किन झूठा झूठा जो न बिचारे। सदगुरु कहते हैं कि वेद कितेब, कुछ लोग ये मानते हैं कि कबीर साहब वेद शास्त्र और सभी ग्रंथों को एक बार में ही खंडन कर दिया है और कुछ नहीं मानते हैं कबीर साहब, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब यूं ही खंडन नहीं कर देते हैं। किसी ग्रंथ को किसी की भावनाओं में ठेस पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं है। वे जहां पर गलती होती है, जहां पर दोष होता है और उनको लगता है कि यहाँ पर अनर्थ हो रहा है या लोग भटक रहे हैं, उसका खंडन करते हैं। अब वो बात कोई व्यक्ति कह रहा हो, कोई बहुत बड़ा कहलाने वाला कह रहा हो, किसी को आप देवी देवता भी कह रहे हो वो कह रहा हो, किसी ग्रंथ में लिखा हुआ हो, किसी बहुत बड़ी भीड़ के द्वारा कोई बात का समर्थन हो रहा हो, इसकी वे परवाह नहीं करते हैं। जो सत्य उनको लगता है उस बात पर वे जोर देते हैं, और जो उनको लगता है कि ये बात गलत है, जो कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत उनको लगता है, और जो मन इंद्रियों के स्वभाव शांति साधना के विपरीत लगता है, उसको वे गलत कहने में हिचकते नहीं हैं। ये उनकी बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत बड़ी हिम्मत थी। कुछ लोग होते हैं जिस बात को सत्य मानते हैं तो अपने मन में मानते हैं, भीतर भीतर कहने की हिम्मत नहीं होती है, पता नहीं ये बात कहाँ फैल जाए हमारी और लोग हम पर हावी हो जाएं और हमें परेशान करने लग जाएं। लेकिन कबीर साहब इसकी कभी परवाह नहीं करते थे और वे कहते थे कि एक बार मरना है बस, लेकिन मैं गलत का पक्ष लेकर के या गलत रास्ता सलाह उपदेश सुना करके लोगों को गुमराह नहीं करूंगा। जो मुझे सही लगता है मैं सही बताऊंगा, और जिनको जो करना हो करें। मेरा काम है सत्य के पथ पर चलना और सत्य की बात कहना। लोगों को अगर मुझे मारने में उनको अच्छा लगता है और उनको यही उचित लगता है तो लोग करें जो करना हो, और किया गया। लोगों ने सदगुरु कबीर के साथ बहुत कुछ है उनको परेशान करने का भाव रखे आए भी, लेकिन उनके साथ सर्वहारा का एक बहुत बड़ा पक्ष था, मतलब आम जनता थी उनके पास, और उनके सहयोग से और उनके रहने के कारण ये बड़े बड़े मठाधीश पंथाधारी पुरोहित और सांप्रदायिक लोग उनका कुछ भी ना कर सके। और इस प्रकार से आग उगलने वाला वो महापुरुष 120 वर्ष तक पूरे भारत में और भारत के बाहर अपना डंका बजाता रहा, बड़े आश्चर्य की बात है। विदेश के एक लेखक ने लिखा है कि इस प्रकार सत्य को एक साथ कहने वाला, जिंदगी में इतने लंबे समयों तक कहने वाला, 120 साल की उम्र तक रहने वाला, कैसे उसके धड़ पर सर बना रहा। उसी समय में लखनऊ में
लोधक नाम का एक व्यक्ति ये कह दिया था कि जैसे हिंदू धर्म से लोगों का कल्याण होता है वैसे ही मुसलमान धर्म से हो सकता है। तो इस बात को लेकर के मुसलमानों ने उसको फांसी पर चढ़ा दिया था कि तुम हमारे मत मजहब को, संप्रदाय को हिंदुओं से तुलना करते हो, अरे वे तो काफिर हैं, दोजखी हैं, नरकगामी हैं, वे भटके हुए हैं और उनकी बराबरी हमारे से करोगे, हम लोग तो जन्नत जाने वाले हैं और खुदा के राह पर चलने वाले हैं और तुम उनसे हमारी तुलना करोगे। और इस बात से उसको फांसी पर चढ़ाया गया था, लेकिन कबीर साहब उसी समय में अपनी बातें एक दो बार नहीं बारंबार कहते हैं कि सुनत कराए तुर्क जो होना औरत को क्या कहिए, और पहरिजनों जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहराया। इस प्रकार से वे सत्य कहने में कभी भी नहीं हिचके, किंतु उनका कोई कुछ ना कर सका। ये उनकी निष्पक्षता और सत्यवादिता का एक बहुत बड़ा बल था और इस बल के कारण उनका कोई कुछ बिगाड़ ना सका। तो सदगुरु कहते हैं, वेद कितेब कहा किन झूठा, वेद कितेब को झूठा किसने कहा? झूठा जो ना विचारे, जो आंख मूंद करके बिना विचार किए और बिना किसी सत्य को समझे केवल आंख मूंद करके मानता चला जा रहा है, लिखा है बाबा वचनम प्रमाणम। अरे सारी बात प्रमाण थोड़े होती है, जो कुछ लिखा है सब सत्य नहीं, जो कुछ चमके सब सोना नहीं। तो लिखा है ये बात मत देखो, क्या लिखा है ये बात पर विचार करो, किसने लिखा है ये भी मत सोचो, क्या लिखा है इस बात पर सोचो, किस ग्रंथ में लिखा है ये भी मत सोचो, क्या लिखा है इस बात पर सोचो। मतलब आप अगर ये सोचेंगे कि फलाने ने कहा है इसलिए सत्य ही होगा, जरूरी नहीं है। फलाने ग्रंथ में लिखा इसलिए सत्य ही होगा, जरूरी नहीं है। फलाने संप्रदाय या भीड़ के लोग कह रहे हैं इसलिए सत्य होगा, ऐसी भी बात नहीं है। सत्य है इसलिए वो सत्य है, अब वो चाहे किसी भी ग्रंथ में लिखा हो। यहाँ तक कि सामान्य ददरिया के पोथियों में भी सत्य की बातें मिलती हैं, फिल्म के गीतों में भी ज्ञान के तंतु समाये होते हैं, कोई अगर खोजना चाहे तो वहां से भी सत्य, कल्याण, शांति, साधना के विचारों को ग्रहण कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि पूरी प्रकृति खुली किताब है, कोई पढ़ने वाला चाहिए। महापुरुषों ने इसी प्रकृति को पढ़ करके किताब लिख दिया है। सतगुरु कबीर ने इसी प्रकृति को पढ़ करके कितनी बातें कह दिया है, और अब पुस्तक को पढ़ने में सरलता हो गई है। प्रकृति को पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है, और इस बात का अर्थ लगा पाना, समझ पाना भी बड़ा कठिन होता है, लेकिन वही बात को जब पुस्तक में लिख दिया जाता है तो सरल हो जाता है। जैसे ऐसे हम किसी प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं तो उतना सुहाना नहीं लगता, लेकिन जब उसी का फोटो खींच लिया गया, उसी को टीवी में देखा गया, तब बड़ा आकर्षक लगता है ना। किसी व्यक्ति का फोटो, किसी प्राकृतिक दृश्य को जब हम देखते हैं टीवी में अथवा फोटो में तो आकर्षित होते हैं। बस ऐसे ही पुस्तक की बात है, पुस्तक में सरलता हो जाती है उसको पढ़ना, लिखना, देखना, समझना, लेकिन वो सारी पुस्तकें प्रकृति के आधार पर ही किसी संत, गुरु अथवा महापुरुष, लेखक, विद्वान ही बनाते हैं। तो ये पूरी प्रकृति खुली किताब है, हम इसको भी देखें, समझें, जो कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल है तो वो सत्य है, और उसके विपरीत है तो चाहे इतनी भीड़ मानती हो वो मानने योग्य नहीं है, उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो साहब कहते हैं आगे, सब घट एक एक कै लेख है भय दूजा के मारे, सभी घटों में एक एक आत्मा ही समाया हुआ है। यहाँ पर साहब ये नहीं कहते हैं कि एक ही शरीर में आत्मा भी है, परमात्मा भी है, अगर है तो एक ही है, आप उसी को आत्मा भी कहिए, परमात्मा भी कहिए, भगवान भी कहिए, खुदा भी कहिए, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं आत्मा है और परमात्मा भी है, अलग है वो, तो कितने परसेंट आत्मा है और कितने परसेंट परमात्मा है, अनुभव किसका हो रहा है?
आपके अंदर जो सब समय अनुभव हो रहा है, आत्मा का हो रहा है कि परमात्मा का? अगर परमात्मा का हो रहा है तो परमात्मा की जैसी कल्पना है, आप सोचिए, क्या आप यहीं पर बैठे बैठे पूरी दुनिया के बारे में जान रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है? अगर जान रहे हैं, आप परमात्मत्व का अनुभव कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ चोरियाँ हो रही हैं, जहाँ जहाँ ऐसी मीटिंग हो रही है किसी जगह को, किसी समूह को उड़ाने के लिए, और किसी दुर्व्यवहार दुष्कर्म करने के लिए, या लोग ऐसी योजना जो बना रहे हैं, आप क्यों नहीं ऐसे अनुभव कर लेते हैं और उसको जा करके रोक दें? तो कोई परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है परमात्मा का अनुभव, तो वही है कि मैं स्थिरतापूर्वक बैठूं और सारी इच्छाओं कामनाओं को छोड़ दूं और अपने आप में संकल्पों को त्याग करके ठहर जाऊं, तो पूर्ण शांति का अनुभव होगा और ये आत्म अनुभूति होगी, और ये आत्म अनुभूति ही परमात्म अनुभूति ही हो जाएगी। आत्म अनुभूति, परमात्म अनुभूति, स्वरूप साक्षात्कार, हग्विनी, दीदार, मोक्ष, निर्वाण, परम पद की प्राप्ति, सार तत्व को पा लेना और खुदा को प्राप्त कर लेना अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। तो साहब कहते हैं कि सब घट एक एक कह लेखे भय दूजा के मारे। दूजा, ये दूजा का भाव त्याग कीजिए। ये द्वैत दुत्याद वय भयम भवति, द्वैत की याद करने से भय उत्पन्न होता है। जब आप अपने स्वरूप में रहते हैं तब कोई भय रहता है, और जैसे ही द्वैत सामने आपके आया, चाहे भगवान भवानी आई तो, अथवा धन रुपया पैसा मान प्रभुता ईश्वर बेटा बेटी पति पत्नी का कोई भी भाव आया, द्वैत आपके सामने आया तो भय आया। इसलिए कहते हैं कि द्वैत को त्याग करके समय से कभी अद्वैत भी बना करो, और ये स्थिति, ये समय जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही आप निर्भय होते जाएंगे, और यह है स्वरूप स्थिति। इस साधना से संत गुरुजनों की संगत करके, सत्संग का आधार लेकर के संभव हो सकता है, मंदिर मस्जिद में जा करके नहीं, देवी देवताओं के यहाँ जा करके जल चढ़ाने से नहीं, व्रत उपवास रहने से नहीं, बल्कि साधना करने से, मन इंद्रियों की स्वस्थता से यह संभव होगा। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। सदगुरु कहते हैं संसार में जितने औरत और मर्द हैं वे तुम्हारे ही रूप हैं, तुम्हारे परमात्मा के, भगवान के, खुदा के। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, उस परमात्मा भगवान को बाहर नहीं, इन्हीं औरत मर्दों में देखो, इन्हीं नर नारियों में देखो, वो बाहर नहीं मिलेंगे कहीं। जब इन्हीं में अनेक श्रेणियां हैं और ये श्रेणियां कर्मों के आधार पर बदल जाती है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को, अपने आचरणों को, विचारों को बदल लेता है और उसमें पवित्रता लाते लाते महानता ला दिया और पूर्ण परिष्कृत कर लिया है अपने मन इंद्रिय स्वभाव कर्म आचरणों को, तो वही परमात्मत्व को पा गया, महान हो गया, पूज्य हो गया, दर्शनीय हो गया वो। और उसी में जो लोग अपने कर्म विचारों को ऊंचा नहीं उठाए, सामान्य स्थितियों में रह गए, अपने मन इंद्रियों की धारा में बहते रह गए, वे सामान्य हैं, निम्न स्तर के लोग हैं। लेकिन उनकी क्वालिटी, जो आत्मा की क्वालिटी, उनकी चेतना में कोई फर्क नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं संसार के जितने नर नारी हैं सब में भगवान का वास है, सब में परमात्मा रहता है, सब में खुदा बसा हुआ है, उसकी नूर को, उसकी झलक को आप देखिए तो जरा, हम पहचान ही नहीं पाते हैं उस सत्य को और उस निर्णय को हम देख ही नहीं पाते हैं, हम तो अपनी कल्पना में रात दिन बहते हैं ना। और जो व्यक्ति न्याय को नहीं समझेगा, केवल भावावेश में बहेगा, वो कभी भी किसी तथ्य पर नहीं पहुंच पाएगा। तो साहब कहते हैं जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप को तुम्हारा। कबीर साहब जैसे तथा कथित ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान में शूद्रत्व नहीं देखते हैं, ये जैसे तथा कथित हिंदू मुसलमान की परंपराएं हैं, उसी प्रकार वे ब्राह्मण और शूद्र में भी एकता देखते हैं।
हिंदू और मुसलमान को हम ये माने कि भाई सभी में एकत्व है और सब में वही आत्मा निवास करता है और प्रेम एकता से मेल मिलाप से रहना चाहिए, अच्छी बात है। तो क्या ब्राह्मण और शूद्र जिसे कहते हैं, और जिसे एक कहता है कि वो बहुत पवित्र है, एक को कहते हैं अछूत है, क्या इसमें कबीर साहब नहीं देखते हैं? जगह जगह बीजक में खूब उन्होंने कहा है, को ब्राह्मण को शूद्र, उन्होंने कहा है कि कौन ब्राह्मण कौन शूद्र है। इसलिए साहेब के जो वचन हैं, जो हमारे भारत का संविधान है, वो सद्गुरु कबीर की देन है। सद्गुरु कबीर ने आज से 600 वर्ष पूर्व ही उसके बीज बो दिया था और इसके शाश्वत स्वर संसार में सदा से समाये हुए थे। और सद्गुरु कबीर और कबीर जैसे महापुरुषों ने समय समय से इन बीजों को खूब बोया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तथाकथित ज्ञानी कहलाने वाले, ज्ञानी होते नहीं हैं लेकिन स्वार्थ बुद्धि के होते हैं और समाज को गुमराह करने में लगे होते हैं। स्वार्थ बुद्धि के लोग होते हैं, अपनी रोटी सेकने के लिए अपने धन रुपए मान प्रतिष्ठा और अपनी वरीयता कायम करने के लिए वो दूसरों को छोटा, दूसरों को नीच और दूसरों के लिए कुछ ऐसी धोखेधड़ी की बातें करते ही रहते हैं। कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। सदगुरु कहते हैं कि तुम जिसे भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो, ईश्वर कहते हो, खुदा कहते हो, गॉड कहते हो, मैं उन्हें अपना गुरु पीर मानता हूँ। सो गुरु पीर हमारा, वो हमारे गुरु पीर हैं, ठीक है, तुम उनको जो मानो सो मानो। यहाँ पर साहेब बड़े प्रेम से आपसी एकता का भाव रखते हैं कि ठीक है, तुम पीछे तो साहेब ने खंडन कर ही दिया है इन पैगंबरवाद, ईश्वरवाद, दैववाद का कस के नाम ले ले करके धराशायी किया है। अब सब जगह साहेब ऐसा नहीं करते, समता भी रखते हैं, क्योंकि वे लिखते भर नहीं हैं, वे समाज के साथ रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की भावनाओं को पढ़ते हैं, तो किसी ढंग से किसी को ठेस ना पहुँचे तो समय समय से वे कह देते हैं, कहें कबीर भज सारंग पानी, कि सारंग पाणी का भजन करो भाई, कहाँ तुम इधर उधर लगे हुए। तो सारंग पाणी जो हाथ में धनुष रखे, श्री विष्णु जी या श्री राम जी। इसी प्रकार यहाँ भी कहते हैं कि कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा, जिसे जो भगवान परमात्मा का बेटा है, बच्चा है, और जिसे तुम लोगों ने परमात्मा ईश्वर मान रखा है, मैं उन्हें अपना गुरु पीर मानता हूँ। परमात्मा खुदा भगवान मानने से गुरु पीर मानने में बहुत अंतर होता है। आपने किसी को परमात्मा मान लिया, भगवान मान लिया, तो समझ लीजिए कि आप उससे दूर हो गए, ये बहुत वैज्ञानिक अर्थ है। आपने किसी को भगवान माना तो आपका उससे संबंध कट गया, क्योंकि आपने उसे भगवान मान लिया। अब भगवान मान करके, पूज करके, मंदिर में, मस्जिद में बंद करके चले आओ, उससे आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। अगर आप गुरु पीर मानते हैं तो गुरु पीर वो होते हैं जो हम हैं, वो गुरु पीर हैं। जो हमारे अंदर आत्मा है वही उनके अंदर है, जो हमारे मन इंद्रियां हैं वही उनके अंदर हैं, जो हम अपने को बनाना चाहते हैं वे बन चुके हैं। उनसे हम प्रेरणा लें और हम भी उनसे शिक्षा लें और अपने को बदल लें, उनके जैसा हो जाएं। तो ये गुरु पीर मानने का ये लाभ है, और भगवान मानने का कोई लाभ नहीं है। वो इस ढंग से है कि आपने भगवान मान लिया तो भाई वो भगवान थे इसलिए ऐसा कर सके हैं, वे इतना ऊंचे हो सके हैं, वे अपने दोस्तों को त्याग सके हैं, वे महान बन सके हैं और वे सत्य में स्थित हो सके हैं। हम तो साधारण नाचीज हैं, साधारण तुच्छ इंसान हैं, धरती पर रेंगने वाले तुच्छ इंसान हैं, हम कहाँ ऐसा कर सकते हैं। तो ये कितना गैपिंग हो गई ना, कितना दूरी हो गई, और इससे लाभ कुछ ना मिला। पूज करके केवल छोड़ दिए, मंदिर में मस्जिद में बंद करके चले आओ, भगवान यहीं तुम रहना, क्योंकि मुझे तो ऑफिस में जाना है, दुकान में जाना है, खेत में जाना है, अपने कार्य क्षेत्र में जा करके लोगों को धोखा देना है, हिंसा हत्या करना है और तमाम पाप करना है, राहजनी करना है। अब वहाँ भगवान थोड़े दिख रहे हैं हमें। अगर हम प्राणियों में भगवान देखेंगे, देवत्व तो देखेंगे, तो वहाँ ये नहीं करेंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भाई वो भगवान परमात्मा
जिसे तुम मानते हो, मानना हो मानो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसे तो गुरु पीर मानता हूँ। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक एकता, जातीय एकता, मानवीय एकता के लिए सदगुरु कबीर का ये जो वचन है अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सबको इसका खूब मनन चिंतन करके हमें अपने जीवन में शांति साधना की सामग्री खूब भरना चाहिए। बस साहेब की जय।